बयानात एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अगर दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। कानून संविधान की इतनी खुली धज्जियां उड़ा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का इतना अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को अपने वकार को बचाने के लिए सख्त इकदाम करना चाहिए। अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ये राय पेश करे तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इसे अपनी तौहीन मानना चाहिए। हम कहीं रास्ते में नहीं हैं, ना हमें गुजरात बनाना है, ना मेरठ, ना मलियाना। बात तो कानून की है, हमने तो ये कहा है जो अदालत फैसला कर दे उसे हम भी माने, आप भी मानिए। और ये बात हम पहले से कह रहे हैं, 30 साल से कह रहे हैं ये बात, जब से सियासत में आए वो भी माने। और 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद गिरी थी वो ज्यादा बड़ा मामला था, वो कानून की ज्यादा बड़ी कानून शिकनी थी। अब तो बनाना है, मैं बराबर कह रहा हूँ। दिल्ली में वो सब संत जमा हुए मुझसे पूछने, एनआई वाले आए, मैंने कहा मैं झंडी लेकर खड़ा होता हूँ, अगर रामलीला मैदान में राम मंदिर बनना है तो झगड़ा ही खत्म, और अगर अयोध्या में बनना है तो झंडी मैं दिखा रहा हूँ, चलो। मगर क्योंकि मंदिर तो है, मंदिर तो वहाँ 22/23/1949 की रात से जब मूर्तियां रख दी गई पूजा शुरू हो गई। ये दरअसल मंदिर का मामला ही नहीं है, तो गद्दी का मामला है।